नमस्कार, प्रभा साक्षी के शंख ध्वनि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में पेड़ पौधों का विशेष महत्व माना जाता है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म के कई पेड़ों की पूजा की जाती है और ग्रह दोष निवारण के लिए भी इन पेड़ों को शुभ माना जाता है। वहीं यदि राशि अनुसार पेड़ पौधों की पूजा की जाती है तो जातक को इसके शुभ परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। हम बात करें कि पीपल के पेड़ की, तो इस पेड़ को पूजनीय माना जाता है। पीपल के पेड़ पर राशि के अनुसार कुछ सामान चढ़ाना शुभ होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देंगे कि आपको अपनी राशि के हिसाब से पीपल के पेड़ पर क्या चढ़ाना चाहिए। मेष राशि। मेष राशि के जातकों को पीपल के पेड़ की जड़ में दूध चढ़ाना चाहिए, जिससे जातकों पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है और उनकी सभी मनोकामनाएं जल्द पूरी हो जाती हैं। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का और देवियों का वास माना जाता है, इसलिए इस राशि के जातकों को पीपल के पेड़ की जड़ में दूध चढ़ाना चाहिए। वृष राशि। इस राशि के जातकों को पीपल के पेड़ की जड़ में चंदन का तिलक लगाना चाहिए, इससे वृष राशि के जातकों को ग्रह दोष से छुटकारा मिल जाता है। और वहीं अगर आपके परिवार का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है तो इस उपाय को करने से रोग दोष संबंधी समस्याएं भी आपकी दूर हो जाएंगी। मिथुन राशि। इस राशि के जातकों को पीपल के पेड़ की जड़ में नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए, इससे आपकी कुंडली में मौजूद दोषों से आपको निजात मिलेगी और आपको मानसिक शांति की भी प्राप्ति होगी। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए पीपल के पेड़ की जड़ में दूध और हल्दी चढ़ाना शुभ माना जाता है। इससे कर्क राशि के जातकों को किसी भी चीज का भय नहीं होता और अशुभ प्रभावों से भी मुक्ति मिलती है। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को पीपल के पेड़ की जड़ में केसर और फल को चढ़ाना चाहिए, इससे सिंह राशि के जातकों को सभी समस्याओं से राहत मिल सकती है। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को पीपल के पेड़ में अक्षत और जल चढ़ाना चाहिए, इस उपाय को करने से इस राशि के जातकों को गुरु दोष से छुटकारा मिल जाता है। तुला राशि। पीपल के पेड़ की जड़ में तुला राशि के जातकों को दही और शहद को मिलाकर चढ़ाना चाहिए, इस उपाय को करने से जातकों को शुभ फल की प्राप्ति होती है और उनकी कोई भी मनोकामना पूरी हो जाती है। वृश्चिक राशि। इस राशि के जातकों को पीपल के पेड़ की जड़ में गन्ने का रस चढ़ाना चाहिए, इससे उन्हें सभी कार्यों में जो असफलता मिल रही है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। धनु राशि। धनु राशि के जातकों को पीपल के पेड़ की जड़ में मिश्री और दूध को चढ़ाना चाहिए, इस उपाय को करने से राशि के जातकों को धन लाभ हो सकता है और आर्थिक तंगी का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। मकर राशि। इस राशि के जातकों को पीपल के पेड़ की जड़ में तांबे के लोटे से गंगा जल को चढ़ाना चाहिए, इस उपाय को करने से रोग दोष से संबंधित सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों को रोजाना पीपल के पेड़ की जड़ में दूध और काले तिल को चढ़ाना चाहिए, ऐसा करने से जातकों को शनि दोष से मुक्ति मिल सकती है। मीन राशि। मीन राशि के जातकों को पीपल के पेड़ की जड़ में रोजाना हल्दी चढ़ानी चाहिए, जिससे उनके ऊपर श्रीहरि विष्णु जी की कृपा बनी रहेगी और साथ ही इस उपाय को करने से उन्हें सफलता भी हर काम में मिलने लगेगी। आज के लिए इतना ही। अगले शंख ध्वनि के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।